देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कोई भी धर्म से। जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या सनातनी जरूरत से ज्यादा सहिष्णु है, तो उन्होंने कहा, सच्चाई हो भी सकती है लेकिन हम सत्य के पक्षधर हैं, इसलिए सनातन हैं। हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकते हैं और उससे मुक्त होकर नई जीवन यात्रा में आगे भी बढ़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में यूपी की जीडीपी को दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में यूपी की छवि बेहद खराब थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे विकास के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं था। उसके राज में प्रदेश की छवि नकारात्मक थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि केंद्र और यूपी की डबल इंजन सरकार ने राज्य की छवि की पूरी दुनिया में सुधारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कानून के शासन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया है। नतीजा सबके सामने है। जब उनसे बागेश्वर बाबा के बारे में सवाल पूछा गया तो इस पर सीएम योगी ने कहा कि यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है तो मानिए और अगर नहीं है तो मत मानिए। आपका धर्म में विश्वास है, मान भी सकते हैं, नहीं भी। अब जिसको विश्वास है, कोई किसी जगह पर जाता है, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है तो आपको क्या परेशानी है। लेकिन धर्म की सात्विकता और उनके मूल्यों को बनाए रखना होगा, आडंबर से परहेज करना होगा। जो वास्तविकता है उसको पूरी शालीनता से देश दुनिया के सामने रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या सनातनी जरूरत से ज्यादा सहिष्णु है, तो उन्होंने कहा, सच्चाई हो भी सकती है लेकिन हम सत्य के पक्षधर हैं, इसलिए सनातन हैं। हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकते हैं और उससे मुक्त होकर नई जीवन यात्रा में आगे भी बढ़ सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, इसलिए उन पर ध्रुवीकरण के आरोप भी लगते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, यह ध्रुवीकरण नहीं है, यह वो सत्य है जिसके पीछे आज विश्व मानवता आ रही है। योग के पीछे मानवता भाग रही है। आयुर्वेद की पद्धति को पूरी दुनिया ने कोरोना काल में स्वीकार किया गया, यही सनातन है।